हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंजीनियर्स एक्सेंस क्लासेस। आई एम योर टीचर मोहित पंत। लास्ट लेक्चर में हमने वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स के न्यूमेरिकल्स किए थे। आज हम पढ़ेंगे डिपेंडेंट सोर्सेज के बारे में और पैसिव एलिमेंट के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। हम पहले देखते हैं डिपेंडेंट सोर्स क्या होता है। डिपेंडेंट सोर्स, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि डिपेंडेंट सोर्स एक ऐसा सोर्स होता है जिसकी जो किसी लोड को एनर्जी दे रहा है बट खुद पे डिपेंड होके नहीं देता है, उसकी एनर्जी किसी दूसरे उसमें डिपेंड होती है। ये हमने पढ़ चुके हैं पहले लेक्चर्स में। अगर किसी ने नहीं पढ़ाया तो प्लीज़ आप हमारे प्रीवियस लेक्चर देख सकते हैं, ठीक है। तो डिपेंडेंट सोर्स के आज हम इसके एग्जाम्पल्स मतलब इसके टाइप्स पढ़ेंगे कि डिपेंडेंट सोर्स कितने टाइप्स के होते हैं। तो ये इसको हम चार टाइप में डिवाइड करते हैं। दे आर ऑफ फोर टाइप्स। चार टाइप के होते हैं डिपेंडेंट सोर्स। फर्स्ट, वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। पहला है वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, और इसको बोल सकते हैं हम वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम फिगर बनाते हैं। ये फिगर ऐसा होता है, जो भी डिपेंडेंट सोर्स होंगे उनका फिगर जो होगा इस तरह बनेगा। अब ये क्या है, एक वोल्टेज सोर्स है, ठीक है। इसकी जो एक वोल्टेज है किसी दूसरी वोल्टेज पे क्या हो रही है, डिपेंड हो रही है। तो उसको रिप्रेजेंट करेंगे हम ऐसे, हम इसको लिखते हैं Vx is equal to K Vx, और उसको नाम देता हूं मैं Vi, let's suppose। तो ये एक वोल्टेज सोर्स है जिसका नाम है Vx। इसकी जो वोल्टेज है ये किसी दूसरी वोल्टेज जो कि Vi है इस पर डिपेंड हो रही है, तो उसका नाम क्या पड़ गया, वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। और हम इसको क्या बोल सकते हैं, वोल्टेज कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स। वोल्टेज कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स, तो इसकी वोल्टेज पे डिपेंड हो रही है। अगर इसको ये वोल्टेज नहीं मिली किसी वजह से, मान लो ये Vi जीरो हो गई है, ये Vi क्या हो गई, जीरो हो गई सर्किट में, तो ये भी इसकी खुद की भी वोल्टेज कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, और ये क्या हो जाएगा, डेड। तो ये क्या बिहेव करेगा, लाइक शॉर्ट सर्किट, इट विल बिहेव लाइक शॉर्ट सर्किट। तो अगर वोल्ट, तो यही एक बात होती है वोल्टेज डिपेंडेंट सोर्स में कि उनको जो इनिशिएट कर रहा है, मैंने आपको बताया भी था कि डिपेंडेंट सोर्स क्या होते हैं, वो एनर्जी दे रहे हैं, वोल्टेज दे रहे हैं। यहां पर कोई वोल्टेज दे रहा है बट इसकी वोल्टेज की दूसरी वोल्टेज पर क्या हो रही है, डिपेंड हो रही है। अगर इसको वोल्टेज Vi नहीं मिली तो ये अपनी खुद की वोल्टेज भी नहीं देगा। तो मैंने यहां बताया आपको कि अगर Vi जीरो हो गया तो जो Vx है ये भी मेरा कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, और ये क्या बिहेव करेगा, लाइक अ शॉर्ट सर्किट। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं बिकॉज जब हम आगे न्यूमेरिकल करेंगे सॉल्व, जब हम थेवेनिन नॉर्टन करते हैं सॉल्व, तो वहां पे ये डिपेंडेंट सोर्स क्वेश्चन बहुत आते हैं। तो डिपेंडेंट सोर्स में करिए, अगर वो जो वोल्टेज जीरो हो जाती है तो हम समझ नहीं पाएंगे कि इसको हम कैसे ट्रीट करें। तो ये कॉन्सेप्ट हमें पता होना चाहिए, अगर जिस वोल्टेज पे ये डिपेंड हो रहा है अगर वही नहीं रही, वही जीरो हो गई, तो उसकी खुद की वोल्टेज भी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। आप उसको नोट कर लीजिए, ठीक है। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं, नेक्स्ट है, तो फर्स्ट हो गया वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। नेक्स्ट है करंट डिपेंडेंट करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, और भी कैन से करंट कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स। इसका भी फिगर ऐसी बनेगा जैसा वैसा था। ये खुद एक वोल्टेज सोर्स है, ये एक वोल्टेज सोर्स है, इसकी वोल्टेज Vx है बट इसकी वोल्टेज किसी करंट पे डिपेंड हो रही है, तो उसका नाम क्या पड़ गया, वोल्टेज करंट डिपेंडेंट वोल्टेज। तो उसको लिखूंगा मैं Vx इक्वल टू के आई। तो जो उसकी करंट है, जो ये वोल्टेज है ये करंट पे डिपेंड हो रही है, ठीक है, और जो ये करंट है इस वोल्टेज को कंट्रोल कर रही। तो आप बोलोगे करंट कंट्रोल वोल्टेज सोर्स। इसमें भी यही है, अगर ये करंट जीरो हो जाएगी तो ये वोल्टेज भी क्या हो जाएगी,
जीरो जाएगी और ये क्या बन जाएगा, शॉर्ट सर्किट, क्योंकि जब वोल्टेज जीरो होती है तो वो क्या ब्रेक करेगा, लाइक शॉर्ट सर्किट। ठीक है, नेक्स्ट ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास करंट कंट्रोल्ड करंट सोर्स, करंट कंट्रोल्ड करंट सोर्स और करंट डिपेंडेंट करंट सोर्स, इसको बनाते हैं। है क्या है, करंट सोर्स और इसकी जो करंट है ये किसी दूसरी करंट पे डिपेंड हो रही है, तो ये बन गया के आई आई, मतलब ये करंट सोर्स है और इसकी करंट किसी दूसरी करंट पे क्या हो रही है, डिपेंड हो रही है। इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि एक करंट कंट्रोल करंट सोर्स है, ये करंट सी करंट को क्या कर रही है, कंट्रोल कर रही है। ठीक है, इसमें क्या होगा, अगर ये किसी वजह से आई आई जीरो हो गई है तो आई एक्स भी जीरो हो जाएगी, तो ये क्या बिहेव करेगा, लाइक अ ओपन सर्किट, क्या बिहेव करेगा, लाइक ओपन सर्किट। ठीक हो गया, अच्छा तो ये हो गया थर्ड वाला, थर्ड हो गया और लास्ट है हमारा, लास्ट है वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स, वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स, वोल्टेज कंट्रोल्ड करंट सोर्स। इसमें क्या होगा, अगेन हमारे पास करंट सोर्स है बट इस करंट सोर्स की जो वैल्यू है आई एक्स, ये किसी दूसरी वोल्टेज पे क्या हो रही है, डिपेंड हो रही है। ठीक है ना, और ये वोल्टेज क्या कर रही है, इसको कंट्रोल कर रही है, तो उसका नाम क्या पड़ गया, वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स, और वी कैन से वोल्टेज कंट्रोल करंट सोर्स। ठीक है, इसमें भी क्या होगा, अगर ये वोल्टेज जीरो हो गई जो उसको एनर्जी दे रही है, तो उसकी करंट भी खुद भी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी एंड इट विल बिहेव लाइक ओपन सर्किट। ठीक है, तो ये हमने चार पढ़ ली यहां पे, पहला था क्या था, वोल्टेज वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, फिर हमने पढ़ा था करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, फिर हमने पढ़ा था करंट कंट्रोल्ड या करंट डिपेंडेंट करंट सोर्स, और लास्ट हमने पढ़ लिया वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स। तो ये चार टाइप के हमारे पास क्या हो गए, डिपेंडेंट सोर्स हो गए। एग्जाम में आपको क्या होता है, ऑप्शन जैसे एक क्वेश्चन था, मैं आपको दिखाता हूं, यहाँ पे एक क्वेश्चन आया था एग्जाम में, खैर बहुत आसान क्वेश्चन था, जेई की एग्जाम आया था, क्वेश्चन था ऐसा दिया था, बोलता वी एक्स इज इक्वल टू लिखा था टू वी वाई लिखा था, तो उसमें पूछा था कि कौन सा डिपेंडेंट सोर्स है, उन्होंने बोला था कौन सा डिपेंडेंट सोर्स है, तो आप पता लगा सकते हो ये खुद में एक वोल्टेज सोर्स है बट इसकी वोल्टेज किसी दूसरी वोल्टेज पर डिपेंड हो रही है, तो उसका नाम क्या पड़ गया, वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल हमारे यहाँ पे बन गया। ठीक है, तो उसको रख पढ़ते हैं, तो ये चार डिपेंडेंट सोर्स हमारे पास हो गए। तो चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं पैसिव एलिमेंट, पैसिव एलिमेंट क्या होते हैं, पैसिव एलिमेंट वो एलिमेंट होते हैं जो अपने अंदर से एनर्जी डिलीवर नहीं कर सकते, खुद से डिलीवर नहीं कर सकते, कंटिन्यूअस एनर्जी नहीं दे सकते, ऐसे एलिमेंट्स को हम क्या बोलते हैं, पैसिव एलिमेंट्स बोलते हैं। इनके एग्जांपल्स क्या है, इनका इनके मोस्ट बेस्ट थ्री एग्जांपल्स होते हैं आर एल और सी, आर फॉर रजिस्टर, एल फॉर इंडक्टर एंड सी फॉर कैपेसिटर। तो ये तीन एलिमेंट्स हैं जिनको हम पैसिव एलिमेंट्स में डालते हैं, ये बेसिकली लोड होते हैं और उनका उसमें हम देखते हैं। ठीक है, तो पैसिव एलिमेंट्स आर दोज एलिमेंट विच आर नॉट कैपेबल ऑफ डिलीवरिंग एनर्जी, वाइल एक्टिव एलिमेंट्स क्या थे, जो एनर्जी को डिलीवर कर रहे थे। ठीक है, तो पहले अब हम क्या करेंगे, इंडिविजुअली इन सब के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे। पहले हम पढ़ेंगे रजिस्टर के बारे में, पूरा पढ़ेंगे इसके बिहेवियर के बारे में कि इसका होता क्या है, इसका मतलब रजिस्टर का स्ट्रक्चर, मतलब इसको इसकी थ्योरी क्या होती है, इसके अंदर फॉर्मूला क्या होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, मच मोर। तो उसी तरह हम पहले रजिस्टर को पढ़ेंगे, फिर इंडक्टर को पढ़ेंगे बारीक बारीक से, और फिर पढ़ेंगे कैपेसिटर को। ठीक है, अच्छा तो पहला हमारे पास है रजिस्टर, तो मैं रजिस्टर यहां पर लिखता हूं, फर्स्ट वी विल स्टडी ऑफ रजिस्टर।
रजिस्टर जब हमारा फर्स्ट लेक्चर था तो मैंने आपको रजिस्टर के बारे में थोड़ा बताया था, खाली एक हल्की सी थोड़ी बात कही थी मैंने कि रजिस्टर क्या होता है। रजिस्टर एक ऐसा एलिमेंट है जो करंट का अपोज करता है, करंट के फ्लो का अपोज करता है। तो कोई भी ऐसा एलिमेंट जो करंट की फ्लो का अपोज करता है उसको हम क्या बोलते हैं, रजिस्टर्स बोलते हैं। आपने देखा होगा कि मोस्टली जो हमारे पास जो सर्फेस होते हैं उसमें इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इस साइन से, लाइक दिस, ठीक है ना। तो ये साइन आपको, ये साइन जो है ये क्या रिप्रेजेंट करता है, हमारा रजिस्टर बनाता है कि ये एक ऐसा एलिमेंट है जो करंट का पोज कर रहा है। अच्छा, नेक्स्ट रजिस्टर तो हो गया, अब एक अगला टर्म है जो हम इस्तेमाल करते हैं बहुत बार, वो होता है रजिस्टेंस। रजिस्टेंस जो शब्द है वो रजिस्टर का ही थोड़ा पार्ट है। रजिस्टेंस शब्द क्या करता है, ये दो, इसको हम दो तरीके से देख सकते हैं। रजिस्टेंस क्या करता है, रजिस्टर की प्रॉपर्टी शो करता है। आप बोल सकते हो एक तौर से कि रजिस्टेंस जो है रजिस्टर की प्रॉपर्टी शो करता है कि वो करंट का कितना अपोज करता है, ठीक है ना। जैसे कि आप बोल सकते हो कि मेरे पास दो रजिस्टर हैं, एक है ए और एक क्या है बी, दोनों करंट का अपोज कर रहे हैं, लेकिन आपको यह नहीं पता है कि कौन कितना करंट का अपोज कर रहा है, ठीक है ना। दोनों रजिस्टर तो हैं, बट आप कैसे इनको बताओगे कि यार ये करंट का कौन कितनी करंट का अपोज कर रहा है। उसको बताने के लिए हम एक टर्म इस्तेमाल करते हैं, वो होता है रजिस्टेंस। तो आप बोलोगे इसका रजिस्टेंस है 5 ओम और इसका रजिस्टेंस कितना है, 6 ओम या 10 ओम मान लेते हैं। तो आप बोलोगे जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा है ये करंट का अपोज क्या करेगा, ज्यादा करेगा। तो रेजिस्टेंस बेसिकली क्या करता है, रेजिस्टेंस रजिस्टर की प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करता है कि ये कितना करंट का अपोज करेगा, ठीक है। रेजिस्टेंस को हम एक तरीके से और देख सकते हैं कि अगर हमारे पास कोई एक इलेक्ट्रिकल जो मतलब इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है या कोई भी चीज है उसके उसका भी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। तो वो रेजिस्टेंस हमें, तो उससे हम ये बोलते हैं कि कोई भी एक एलिमेंट की ये प्रॉपर्टी जो कि ये दिखा रही है कि ये करंट का अपोज कर रहा है, करंट का अपोज कर रहा है, उसको भी हम रेजिस्टेंस से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मेरे पास कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है, फैन है मान लेते हैं, तो फैन भी करंट का अपोज कर रहा है। तो फैन जो करंट का अपोज कर रहा है उसकी इस प्रॉपर्टी को दिखाने के लिए हम उसका रेजिस्टेंस बताएंगे कि इसका रेजिस्टेंस इतना है, ठीक है। तो रेजिस्टेंस क्या करता है, रजिस्टर की तो प्रॉपर्टी बता रहा है, उसके साथ साथ वो किसी भी डिवाइस की या किसी भी अप्लायंस की ये मतलब ये बता रहा है कि वो डिवाइस अगर करंट का अपोज कर रहा है तो उसके बिहेवियर को भी रेजिस्टेंस क्या करता है, शो करता है, ठीक है। तो ये हमारा रेजिस्टेंस हो गया। अच्छा, रेजिस्टेंस एक तौर से आपका लॉस बताता है, क्या बताता है, लॉस बताता है, लॉस। रेजिस्टेंस का जो रिलेशन है वो लॉस से बहुत है। हम जब किसी भी चीज को एनर्जी देते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं, तो क्या होता है वो आपको क्या देती है, आउटपुट मिलता है आपको उससे। जैसे अगर मैं मोटर ले लूं, मोटर के अंदर क्या होता है, मोटर में जब आप इलेक्ट्रिकल इनपुट देते हो तो आपको आउटपुट में मैकेनिकल एनर्जी मिल जाती है, बट आपने जितनी एनर्जी इनपुट में दी आपको पूरी आउटपुट में नहीं मिलती, तो उसमें क्या होता है, इंटरनल थोड़े लॉस होते हैं। तो जो वो लॉस हो रहे हैं उस लॉस को भी हम रिप्रेजेंट करते हैं रेजिस्टेंस से। उसका जो लॉस बिहेवियर है उस लॉसी बिहेवियर को हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, रेजिस्टेंस से। तो अगर किसी चीज का रेजिस्टेंस आप मेंशन कर रहे हो तो आप ये भी रिप्रेजेंट कर रहे हो कि भैया इसके अंदर लॉस भी हो रहा है, और रेजिस्टेंस एक लॉस बताता है किसी चीज का, ठीक है। और वो लॉस कैसे, हम उसको लॉस क्या होता है एक्चुअली, ये क्या करता है, हीट लॉस करता है, हीट लॉस, ठीक है। हम हीट एनर्जी को लॉस बोल देते हैं, क्योंकि ये एनर्जी जो हीट एनर्जी होती है ये निकल जाती है आपका, ठीक है ना, ये हीट एनर्जी एटमॉस्फेयर में चली जाती है और आप इसका यूज नहीं कर सकते। तो बिकॉज ऑफ दिस रीजन जो भी आपकी हीट एनर्जी लॉस होती है किसी भी अप्लायंस में, वो रजिस्टर की वजह से, उसका रजिस्टेंस की वजह से होती है। तो
ये होती है, तो हम उसको क्या बोल देते हैं, लॉस के टर्म्स में बताते हैं, ठीक है। तो रेजिस्टेंस किसी भी अप्लायंस का लॉस भी रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो ये था रेजिस्टेंस के बारे में। रेजिस्टेंस एक प्रॉपर्टी है, किसी एलिमेंट की भी प्रॉपर्टी रिप्रेजेंट कर सकता है और किसी रजिस्टर की प्रॉपर्टी भी रिप्रेजेंट कर सकता है, ठीक है। तो उसको रब पढ़ता हूं मैं, रेजिस्टेंस की जो यूनिट होती है क्या होती है, ओम होती है। इसको हम क्या मानते हैं, ओम। क्या मानते हैं इसको हम, ओम होती है। ओम का रिप्रेजेंट कैसा होता है, लाइक दिस, ठीक है ना, ओम बोलते हैं। अच्छा, इसका एक फॉर्मूला होता है जो कि इसके डायमेंशन से डिपेंड होता है, तो उसका फॉर्मूला हमने पढ़ा होगा, फॉर्मूला खैर आपने पढ़ा भी होगा। फॉर्मूला होता है आर इज इक्वल टू रो एल बाय ए, आर इक्वल टू रो एल बाय ए, ठीक है। अब इसमें ये सब क्या, मैं बताता हूं आपको। पहले मैं एक छोटा सा ले रहा हूं, एक एलिमेंट ले रहा हूं जिसका मुझे रेजिस्टेंस बताना है। एक एलिमेंट है मेरे पास, इसको आप वायर मान सकते हो, सिलेंडर शेप की वायर होती है, ये वायर है, ठीक है। इस वायर का रेजिस्टेंस होगा उसको मैं रिप्रेजेंट करता हूं इस आर से, ठीक है। अब इस वायर में ये एल का रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एल रिप्रेजेंट कर रहा है इसकी लेंथ। वैसे हम एल को लेंथ ही बोलते हैं, बट सही मायने में L का मतलब होता है, मान लीजिए ये एलिमेंट है, इसमें करंट यहां से एंटर कर रही है और यहां से करंट क्या कर रही है, एग्जिट कर रही है, ठीक है। तो किसी भी एलिमेंट की लेंथ को हम कैसे बताते हैं, जहां से करंट एंटर कर रही है और जहां से करंट आपका एग्जिट कर रही है, उस वहां से लेके वहां तक की जो दूरी है उसको हम क्या बोलते हैं, लेंथ बोलते हैं। सही मायने में यह होता है इसका मतलब। लेंथ शब्द तो आप बोल ही सकते हो कि कंडक्टर की लेंथ है, बट सही मायने हम बोलेंगे करंट यहां से एंटर कर रही है, करंट यहां से बाहर निकल रही है, तो जहां से एंटर कर रही है, जहां से लीव कर रही है, उसकी लेंथ, वो डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, लेंथ बोलते थे, ठीक है। तो जो हमने एल लिखा है ये हमारी लेंथ होगी। सेकेंड चीज हमारे पास क्या है, एरिया। एरिया क्या है, जहां से करंट एंटर कर रही है उस पार्ट का एरिया कितना है, क्रॉस सेक्शन एरिया, और आप इसको एरिया बोल सकते हो। जहां से करंट एंटर कर रही है उस पार्ट का क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है, उसको डिनोट करते हैं कैपिटल ए से। जहां से करंट एंटर हो रही है, जहां से करंट एंटर हो रही है, जहां से एंटर कर रही है, हो सकता है करंट कहीं और साइड से भी एंटर कर सकती है, ठीक है ना। इसलिए जहां से करंट एंटर कर रही है उस पार्ट के एरिया को हम क्या बोलते हैं, क्रॉस सेक्शन एरिया बोलते हैं। ये हमारा ए हो गया, ठीक है। रो होता है रेजिस्टिविटी, रो होती है रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी, ठीक है, रेजिस्टिविटी होती है, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया। रेजिस्टिविटी की यूनिट होती है ओम मीटर, और वी कैन से ओम सेंटीमीटर, ठीक है। तो दिस इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। तो ये फॉर्मूला हमने लिख लिया, बहुत सिंपल फॉर्मूला है, R इज इक्वल टू रो एल बाय ए। इसके फॉर्मूले जो होते हैं, इसका मतलब एक्चुअली ये जो फॉर्मूला है, इस बेसिस में क्वेश्चंस बहुत आते हैं, ठीक है। अगर हम एरिया की बात करें, अगर ये सर्कुलर, ये सिलिंड्रिकल वायर है, तो जो इसका एरिया होगा वो कितना होगा, ए इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। अगर आपको डायमीटर के टर्म में लिखना है तो कितना जाएगा, ए इज इक्वल टू पाई डी स्क्वायर बाय, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, नेक्स्ट है रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी क्या होती है, रेजिस्टिविटी इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट फ्रॉम विच इट इज मेड ऑफ, फ्रॉम इट इज द property of the element from which it is made of। तो resistivity property है, जैसे कि एक element जो है copper से बना है या aluminium से बना है, तो copper की जो resistivity होगी वो copper element की copper पे depend होती है, और जैसे एल्यूमिनियम का जो अगर कोई मटेरियल बना है उसकी जो रेजिस्टिविटी होगी वो एल्यूमिनियम पे डिपेंड होती है, ठीक है। तो रेजिस्टिविटी मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है, वो उसके डायमेंशन पे डिपेंड नहीं होती है।
जैसा कि एग्जाम्पल के तौर पे मेरे पास एक वायर है, मेरे पास एक वायर है, दो वायर है, मान लो एक वायर है ए और एक वायर है बी, ठीक है। ये दोनों वायर मान लो बनी है कॉपर की, ये भी कॉपर की बनी है, ये भी कॉपर की बनी है। इसकी लेंथ आप देख रहे हैं ज्यादा है, इसकी लेंथ क्या है कम है, इसका रेडियस थोड़ा सा कम है, इसका रेडियस थोड़ा क्या है ज्यादा है। तो दो बट दोनों जो है ये बनी किससे है, कॉपर से बनी है। तो अगर आप इनकी रेजिस्टिविटी की बात करोगे, आप बोलोगे दोनों की रेजिस्टिविटी क्या है, सेम है। क्यों? क्योंकि दोनों बने हैं कॉपर के। रेजिस्टिविटी प्रॉपर्टी किसकी है, मटेरियल की, वो किससे बना हुआ है, वो डिपेंड नहीं करता कि उसके डायमेंशन क्या है। समझ में आया ना? रेजिस्टेंस जो है, रो जो है, ये जो रेजिस्टिविटी है, ये डिपेंड करती है, ये डिपेंड करती है टाइप ऑफ मटेरियल, टाइप ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करती है। दूसरा ये डिपेंड करती है टेम्परेचर पे, और किसी भी चीज पे ये डिपेंड नहीं होती है। आप मटेरियल को कितना लंबा बना लो, कितना छोटा बना लो, सर्किल बना लो, क्यूब बना लो, कुछ भी बना लो, मटेरियल की रेजिस्टिविटी डायमेंशन पे डिपेंड नहीं होती है। वो सिर्फ मटेरियल कौन सा है, किस एलिमेंट का है, उस पे डिपेंड होती है, ठीक है ना। वही जो रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है, R इज इक्वल टू रो एल बाय ए। रेजिस्टेंस जो होता है, ये रेजिस्टिविटी पे तो डिपेंड हो ही रहा है, ये साथ साथ डायमेंशन पे भी डिपेंड होता है, ठीक है ना, वो डायमेंशन पे भी डिपेंड होता है। तो इसका मतलब क्या है, रेजिस्टेंस जो है रेजिस्टिविटी पे डिपेंड हो रहा है कि मटेरियल कैसा है, उसके साथ साथ वो डायमेंशन पे भी डिपेंड हो रहा है, ठीक है। बट जो रेजिस्टिविटी है वो सिर्फ डिपेंड कर रही है, सिर्फ इसी चीज पे डिपेंड कर रही है कि जो आपने वायर ली है वो किस मटेरियल की बनी हुई है, कॉपर की, एल्यूमिनियम की, और उस दौरान टेम्परेचर कितना है। समझ में ना? हो सकता है दो वायर, यहां मेरे पास देखो दो वायर है, दोनों का रेजिस्टेंस डिफरेंट होगा। क्यों? क्योंकि दोनों के डायमेंशंस क्या अलग है, बट दोनों की जो रेजिस्टिविटी होगी वो सेम होगी, बिकॉज दोनों किससे बने हैं, सेम मटेरियल के बने हुए हैं, ठीक है ना। तो दो वायर जिनका रेजिस्टेंस जो है वो अगर डिफरेंट है, हो सकता है उनकी रेजिस्टिविटी सेम हो और इक्वल हो, क्योंकि हो सकता है वो दोनों सेम मटेरियल के बने हो, बट रेजिस्टेंस में डिफरेंस क्यों आता है, उनके डायमेंशंस पे, ठीक है ना। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलो थे थोड़ा आगे बढ़ते हैं। रेजिस्टिविटी हमने पढ़ ली। अच्छा, अब एक टर्म होता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, इसको समझ लेते हैं। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस एक बार एग्जाम में आता है, सो थोड़ा देख लेते हैं। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, R इज इक्वल टू रो एल बाय ए, ठीक है। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस हम क्या समझते हैं, उसको देख लेते हैं। मैंने एक वायर ले ली या एक एलिमेंट ले लिया जिसकी जो लेंथ है वो यूनिट का मतलब होता है वन। अब हो सकता है ये 1 मीटर हो, या ये 1 सेंटीमीटर हो, या ये 1 मिलीमीटर हो, मैंने 1 मान लिया उसको, इट इज यूनिट। उसी तरह इस वायर का एरिया भी कितना है, यूनिट है। यूनिट मतलब आप इसको 1 मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर, कुछ मान सकते, मतलब 1 माना है मैंने, ठीक है। तो लेंथ भी 1 है और एरिया भी कितना है, 1। तो ऐसी वायर को ले लेते हैं, तो इसका लेंथ 1, एरिया 1, तो फॉर्मूला हो जाएगा R इज इक्वल टू रो, ठीक है। तो जो वायर है मेरे पास, अगर उसकी लेंथ ए है और एरिया भी 1 है, सॉरी लेंथ 1 है, एरिया भी 1 है, तो जो उसका रेजिस्टेंस हम उसको बोलेंगे, उसके रेजिस्टेंस को हम बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ऐसी वायर जिसका लेंथ यूनिट है, एरिया यूनिट है, उसके रेजिस्टेंस को हम बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, और जिसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस आता है, इट इज सेम एज रेजिस्टिविटी। तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी, ये दोनों सेम चीज होती हैं। इनको डिफाइन किया जाता है अलग अलग फॉर्म, मतलब उसमें, लेकिन जब दोनों के जो वैल्यूज आती हैं वो हमारी क्या आती हैं, सेम आती हैं, ठीक है। तो ये था स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। आज हमने पढ़ा डिपेंडेंट सोर्स के बारे में पढ़ा,
पैसिव एलिमेंट के बारे में पढ़ा और थोड़ा रजिस्टर के बारे में हमने समझा। आपको किसी को अगर बेसिक इलेक्ट्रिकल में कोई डाउट्स होते हैं या कोई क्वेरी होती है, प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में जाके अपने डाउट्स डाल सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट लेक्चर्स में उस डाउट को मैं क्लियर करूँ। और आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आया, प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।